वेलकम टू द ब्यूटीफुल सिटी क्वेटा, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो सूबा है बलूचिस्तान, उसका ये कैपिटल है और इसको पाकिस्तान का फ्रूट गार्डन भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर और सराउंडिंग में आपको डिफरेंट फ्लेवर के डिफरेंट तरह के फ्रूट्स मिलेंगे। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बलूचिस्तान असेंबली की बिल्डिंग है। एंड लिटिल मोर अबाउट क्वेटा, इसका जो रेडियस है वो 3500 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी हाइट सतह समंदर से 5510 फीट है, विच मेक पाकिस्तान ओनली हाई एल्टीट्यूड सिटी। आबादी टच 1 मिलियन है। तो आज हम पहुंचे क्वेटा के अंदर, बाजारों में जाएंगे, मार्केटों में जाएंगे, देखेंगे क्वेटा की खूबसूरती, दिखाएंगे आपको, इतना आपको मोटिवेट करेंगे कि आप भी जब यहां से गुजरें तो क्वेटा में रुकें, क्वेटा की खूबसूरती को देखें। वैसे एक खूबसूरती ये भी है कि चारों तरफ से पहाड़ों ने इसको घेर के रखा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कोई बाग और बागीचे के अंदर हम आ चुके हैं। वेट क्या हो रहा है, चलिए एक क्वेटा का राउंड हो जाए। आज का एपिसोड क्वेटा के नाम। क्वेटा का जो रेलवे स्टेशन है, ये एक तारीखी रेलवे स्टेशन है और जब तारीख की बात की जाए तो हम तो तारीख की हर जगह पे पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे जो था ब्रिटिश दौर का, वो अपने अंदर एक शाहकार थी और उसके बाद सबसे खूबसूरत ये कि जब बलूचिस्तान की ऊंची नीचे इलाकों के अंदर ट्रेन चलती थी और अभी भी जब चलती है तो एक अजीब सा समा होता है, वादियों में से, पहाड़ों में से गुजरते हुए रेलवे स्टेशन और उसके बीच में से चलती हुई ट्रेनें। बलूचिस्तान में जो पहली ट्रेन आई वो 1880 में थी और क्वेटा के अंदर जो पहली ट्रेन पहुंची वो 1887 में थी। एक ट्रेन जो सिब्बी से क्वेटा की तरफ आती है 134 किलोमीटर की है, लेकिन उसकी खूबसूरती है कि वो डिफरेंट वादियों में से गुजरती है, सुरंगों के बीच में से गुजरती है और एक मकाम पे उसको दो तरफ से इंजन लगा के ले जाया जाता है क्योंकि वो हाइट की तरफ चढ़ना होता है। जो क्वेटा का रेलवे स्टेशन है वो पूरे पाकिस्तान से रेलवे को कनेक्ट करता है। कराची की बात करें या दूसरे मुल्क के हिस्सों की तरफ बात करें तो ट्रेन यहाँ से जाती है। पहुंचे हैं तो रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। वैसे भी सुना है कि रेलवे का सफर, रेलवे के सफरनामे बड़े खूबसूरत होते हैं। कुछ यादगारें लेते हैं क्वेटा के रेलवे स्टेशन के। दिल बा
सो क्वेटा के अंदर कारपेट हो या कंबल हो, इसकी बड़ी मांग है। न सिर्फ यहाँ के लोग खरीदते हैं बल्कि बाहर एरिया से भी लोग आते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनको कारपेट और कंबल डिलीवर होते हैं। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट का ये हब है। इस मार्केट का जायजा लेते हैं कि कंबल के क्या रेट हैं, कारपेट के क्या रेट हैं और कितनी मांग है, और इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट का क्या। पहले जरा ड्राई फ्रूट की मार्केट में जाते हैं। ओए होए 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 होए, बादाम है और ये खुबानी, चलने ये खजूर, क्या बात है। खान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये बताएं क्या क्या ड्राई फ्रूट यहाँ ज्यादा मिलता है क्वेटा में? सर पिस्ते हैं, बादाम है, काजू है और अलापुने की किशमिश है। ये कंदार से आती है किशमिश। और ये जो अखरोट है ये कहाँ से आता है? ये जो है चाइना से आता है सर। चाइना से आता है जी जी। क्या रेट है इसका? ये 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। और ये जो पीछे खुबानी है ये कहाँ से है? ये सर अफगानिस्तान का, ये 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो जी जी। अच्छा 350। वो जो पीछे उसको निकाल के आप लोगों ने अलग किया हुआ है, ये खुबानी है सर। ये खुबानी, हाँ जी। ये कितने का रेट है? ये सर जो है 250 रुपए केजी है इसका। 250 रुपए केजी जी। और ये जो साबत है वो? ये 350 रुपए। 350 रुपए। अच्छा और क्या क्या ड्राई फ्रूट में? जैसे अब ये गिरी है, बाकी है पिस्ता है, वो पिस्ता कितने का? और ये पिस्ता, पिस्ता सर जो ये थोड़ा कमजोर वाला है, जो अच्छा है वो 1600 रुपए। अच्छा वाला है वो, जो कमजोर वाले कितने का है? वो 1100 रुपए का। 1100 का जी जी। ये पिस्ता कहाँ से आता है? ये ईरान से सर। ईरान से आता है तो। और ये जो बाकी चीजें हैं जैसे ये सर, ये भी जो है पिशावर से भी आता है सर। और अलापुने की देवे एक जो है अफगानिस्तान, ये अमरीकनी जो है। अच्छा अमरीकनी अखरोट बोलते हैं। अच्छा उसको कहते हैं इधर डालना जी हाँ। सो मैं अगर कंक्लूड करूँ, कहने का लुबे लुभाव ये है कि क्वेटा के अंदर आपको ड्राई फ्रूट मिलता है जहाँ से भी अच्छा हो। ईरान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, कुछ पिशावर से आ रहा है, तो अच्छी कलेक्शन मौजूद है। क्या है खान साहब, ठीक है, खुश है, सब ठीक ठाक है? ये कंबल कितने का कंबल है? ये मुख्तलिफ है सर, 2500 वाला है, 1200 वाला है, 3000 वाला है, 4500 वाला है। ये कहाँ से आते हैं? सर चाइना से आते हैं। चाइना से? हाँ चाइना से आते हैं। ठीक है, मांग बढ़ रही है, चल रहा है? हाँ चल रहा है। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? खैरियत से। ये बताइए कारपेट जो आपके पास है कालीन, ये कहाँ से आता है? ये सर ईरान से भी आता है, तुर्की से भी आता है, पाकिस्तानी का भी बनता है। अच्छा 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 अच्छा, ईरान से भी, तुर्की से भी, फलामी से। ये किस हिसाब से देते? स्क्वायर फुट के हिसाब से देते? स्क्वायर फुट के हिसाब से सर। क्या रेट है अच्छे से अच्छे कालीन का स्क्वायर फुट? अच्छे से सर 100 रुपए फुट है, 110 रुपए, 160 रुपए। अच्छा 100 रुपए, यानी मुख्तलिफ रेंज है। ठीक सर, ये वाले सारे एक रेट है? सारे एक रेट है कालीन। कितने का इसमें? 10,000-12,000 फिदाना। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं थोड़ा शहर से बाहर निकल रहा हूँ, एक हन्ना लेक है, बड़ा फेमस है, सुना है, बहुत खूबसूरत है, तो मैं ज़रा वहाँ भी चला जाता हूँ। उसके अराउंड जो है बहुत से अच्छे बागात हैं, फ्रूट्स आपको नज़र आएंगे, तो वहाँ का भी राउंड लेते हैं। थोड़ी फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो क्वेटा वेल कनेक्टेड है पूरे पाकिस्तान से। एयरपोर्ट है यहाँ पे, डिफरेंट बस सर्विस चलती है डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान से, कराची से, दूसरे इलाकों से, और अच्छे रोड्स हैं। बलूचिस्तान में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम जैसे किला सैफुल्ला से होकर आ रहे थे क्वेटा की तरफ, तो रोड बहुत अच्छा था, और क्वेटा के अंदर भी बहुत अच्छी रोड है और बलूचिस्तान के बाकी इलाकों की तरफ भी अच्छे रोड हैं। उसके अलावा यहाँ पे सारे नेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद है, रेडियो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेलीविजन है, PNCA यहाँ मौजूद है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे अस्पताल मौजूद हैं, और क्वेटा का जो एटमोसफेयर है वो अट्रैक्ट करता है, होटल्स बहुत अच्छे हैं। सो क्वेटा इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट गिव यू प्लेजर। तो हन्ना लेक की तरफ बढ़ते हैं, वहां मुलाकात होती है आपसे।
This is हन्ना लेक और ये ब्रिटिश दौर में बनाया गया था कि क्वेटा की पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके, यानी पानी यहाँ स्टोर किया जा सके। लेकिन उसके बाद चूंकि इसकी अगर आप लोकेशन देख लें तो दोनों साइड पे पहाड़ है, अब ये हेल्दी रिक्रिएशन का पॉइंट बन चुका है। क्वेटा के लोग निकलते हैं वीकेंड पे, यहाँ आते हैं, कुछ बोट के थ्रू अंदर चले जाते हैं, मज़ा लेते हैं, कुछ बाहर बैठ के फ्रूट खाते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ फैमिली बैठती है और कुछ लोग गपशप करते हैं। किसी के लिए ये जंक्शन भी है, इस तरफ से आने वाले इकट्ठे होते हैं, गपशप लगा लेते हैं और कहा जा सकता है कि क्वेटा के लोग जिंदा दिल है, इस पॉइंट को देख के वो आते हैं, वीकेंड पे आते हैं, बैठते हैं, शाम गुजारते हैं और वापस चले जाते हैं। Da da